अवैध अपमिश्रित शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वालों पर कार्रवाई के तहत थाना प्रभारी तिवारीपुर के नेतृत्व में गठित टीम ने डोमिनगढ़ नया पुल के पास से होंडा कार में 500 लीटर अवैध शराब को बरामद किया, जबकि इस घटना में लिप्त दो शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल हुए। दोनों अभियुक्त अवैध शराब को नाव से उतारकर होंडा सिटी कार में रख रहे थे, जो कहीं ले जाने की फिराक में थे। उसी समय पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्कर कार लेकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके कार को सूरजकुंड और ब्रिज के पास पकड़ लिया, लेकिन दोनों शराब तस्कर कार छोड़कर भाग गए, जिनकी पहचान देवेंद्र पुत्र रामजीत निवासी बहरामपुर सतुहड़ थाना तिवारीपुर तथा बबलू उर्फ दीनदयाल पुत्र रामगति निषाद निवासी उत्तरी कोलिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। नंबर आ जाए, चलो उठाओ उठा पा दो, रुक जाओ रुक जाओ, जाने दो ना। इसको एक खींच के गिराओ ऊपर वाला, एक एक नहीं तो हम दो सब समय पैक कर दिया। जी, कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। तिवारीपुर पुलिस ने अभी 500 लीटर के आसपास कच्ची शराब पकड़ी है, जो गाड़ी में जा रही थी। गाड़ी भी सीज हो गई है, हालांकि अभियुक्त भाग गए हैं, मौके से फरार होने में कामयाब रहे। उनकी जल्दी तलाश कर उनको बुक कर दिया जाएगा और हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोगों से भी गुजारिश करते हैं, हमें सूचनाएँ उपलब्ध कराएँ और ये अभियान को सक्सेस करें।